जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, सी लैंग्वेज चल रही थी और सी लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर जो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो चल रहा था। ऑपरेटर सभी लैंग्वेज में लगभग लगभग सेम ही होते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है बच्चों। और कहा भी यह जाता है अगर ऑपरेटर हैंडलिंग आती है आपको तो सी लैंग्वेज में आपका आउटपुट आ जाएगा। हाँ जी बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज अपन लास्ट मैंने क्या क्या करवाया था वो मैंने पूरा समझा दिया था आपको, क्या ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं उनसे रिलेटेड थ्योरी मैंने पूरी समझा दी थी। उसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज ये हो सकता है लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और हो ऑपरेटर से रिलेटेड, क्लियर। फिर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हो मेरे को कि सर हमको इस ऑपरेटर में दिक्कत आई है, ये एमसीक्यू मैंने कहीं देखा था, ये हमसे नहीं हो पाया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपना 9th लेक्चर है इसके ऊपर। देखिए पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं अपन जो अधिकतर वायरल है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए एक बार, ऐसे क्वेश्चन आपको आईए में मिल सकते हैं, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट के जो एग्जाम होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हो, चाहे DOITC डिपार्टमेंट के अंदर हो, कोई भी एग्जाम, जैसे प्रोग्रामर है, असिस्टेंट प्रोग्रामर है, इसके अलावा आईए है, उनके अंदर इसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको समझना। ये कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। एक बार बताइए, आप सबको पता है सबसे पहले क्या सोल होता है, तो सबसे पहले फेरेंथेसिस सोल होता है, यानी ब्रेसेस सोल होता है। बच्चों सबके क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या सोल होता है, तो यूनरी ऑपरेटर सोल होता है, यूनरी ऑपरेटर सोल होते हैं, और इनका एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। यूनरी के बाद बच्चों क्या होते हैं, तो बच्चों अर्थमेटिक सोल होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। अर्थमेटिक में कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, मोड, क्लियर। ये क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, और इनकी प्रेसिडेंसी का पता होना चाहिए। पहले आप 1 से 9 तक के कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, क्लियर। तभी देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरे पढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है, आप शुरू से चलिए और आप क्या करते हो, कभी 5th वीडियो उठा लेते हो, कभी 4th वीडियो उठा लेते हो, वो नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, कंटिन्यू चलना है, सीरियल वाइज चलना है, लेट्स चेक कर लेना, सीरियल वाइज चलना है। आप अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने पढ़ा रखा है, देखना। आप अर्थमेटिक के बाद मैंने आपको कहा था कि शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, कौन से ऑपरेटर, शिफ्ट, और शिफ्ट में कौन कौन से होते हैं ये मैंने समझा रखा है। इनको बिट वाइज शिफ्ट भी कहते हैं क्योंकि बिट बनकर फिर शिफ्टिंग होती है। फिर बच्चों शिफ्ट के बाद आपको मैंने बताया था क्या रिलेशनल ऑपरेटर, ये कौन कौन से होते हैं, ये सब मैंने क्लियर कर रखा है, क्लियर बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिटवाइज होते हैं, इसके बाद बिटवाइज होते हैं, बिटवाइज के बाद फिर लॉजिकल होते हैं, और इस तरीके से पूरा चलता है। बिटवाइज और बिटवाइज के बाद क्या होते हैं, लॉजिकल, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज में कौन कौन से, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, बिटवाइज नॉट, क्लियर बच्चों। जिसको हल कॉम्प्लीमेंट भी अपन कहते थे, लॉजिकल में एंड और नॉट और किस तरीके से चलते हैं उनको देखते रहेंगे, पूरा देखना बच्चों, थ्योरी कंप्लीट करना। फिर लॉजिकल के बाद मैंने आपको कहा था कि असाइन ऑपरेटर होते हैं, असाइन बच्चों लॉजिकल से पहले भी कौन सा ऑपरेटर आता था, कंडीशनल ऑपरेटर आता था, क्लियर। इनको देख लेना एक बार, पूरी प्रॉपर्टी मैंने समझा दी थी। असाइन ऑपरेटर, फिर कॉमा ऑपरेटर होते हैं, फिर कॉमा के बाद आपके पोस्टफिक्स होते हैं, क्लियर बच्चों। यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर है, पोस्टफिक्स, ये फिर बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और कई बार आए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। एक बार बताओ विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एलिवेशन, एक बार बताइए, सबको पता है ये मल्टीप्लाई, मोड, डिवाइड और मोड, इनकी प्रेसिडेंसी हाई रहती है, क्लियर है बच्चों। अब इनमें भी सबसे पहले मल्टीप्लाई सोल होगा, फिर बच्चों डिवाइड होगा, फिर मोड होगा। अब बच्चों ये पूरा का पूरा पैकेट सोल हो गया, ठीक है। तो अब तक ये बना प्लस, ये पूरा बना, फिर माइनस, ये वन बना। अब बच्चों क्या सोल होगा, क्योंकि ये दोनों सेम प्रेसिडेंसी के, पहले प्लस सोल होगा फिर माइनस सोल होगा। तो देखिए ऐसा कोई ऑपरेशन है क्या, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर मोड, फिर प्लस, फिर माइनस, और सबसे लास्ट में क्या सोल होगा, साइन, सबसे लास्ट में साइन। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। कमेंट कर दीजिए अगर आपके क्लियर हो गया हो तो। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं थ्योरेटिकल ऑपरेटर में। हाँ,
35 वीडियो सी के बनते हैं, लेकिन तुम्हारी बेटरी में 40-45 के आसपास जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि अपन डीप में पढ़ रहे हैं, टाइम खूब अपने पास, इसलिए मैं जितना बन सकता उतना पूरा सी समझा रहा हूँ आपको। हाँ जी, क्लियर है सबके? नेक्स्ट है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन उठाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द हायरार्की ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन सी। बच्चों, अर्थमेटिक ऑपरेशन में सही ऑर्डर क्या है ये पूछ रहा है। एक बार बताइए सही ऑर्डर, आप बताओ, इन तीनों की प्रेसिडेंसी सेम होती है? सेम होती है। अर्थमेटिक ये क्या है बच्चों? डिवाइड, ये है मल्टीप्लाई, और ये क्या है मोड। इनकी प्रेसिडेंसी सेम होती है, और ये किधर से किधर सोल्व होते हैं, ये इधर से इधर सोल्व होते हैं, अगर तीनों एक साथ आ जाए तो। अब बच्चों एक चीज और समझो, प्लस और माइनस इनकी प्रेसिडेंसी सेम होती है, अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो इधर से इधर सोल्व होता है। तो जो ये क्या है, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर आइए, पहले बताइए डिवाइड के बाद प्लस फिर मल्टीप्लाई, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शो द हायरार्की ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। मतलब पहले क्या सोल्व होगा, पहले ये होगा ये माना, लेकिन इसके बाद ये, इसके बाद ये गलत है, इसके बाद माइनस फिर डिवाइड, ये भी गलत है, प्लस के बाद माइनस फिर डिवाइड आएगा, ये गलत है। बच्चों पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस और माइनस, ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, डी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन किसमें आएंगे इस तरीके के, अधिकतर ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, छोटे एग्जाम आईए प्रोग्रामर क्लियर इनके अंदर आ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनमें कम चांस होते हैं, वहां आउटपुट के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मेरे हिसाब से थ्योरी क्लियर हो गई होगी, पहले ये फिर डिवाइड मल्टीप्लाई, ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि आप कह रहे हो माइनस के बाद डिवाइड सोल्व होगा, और ये क्यों फेल हुआ, आप कह रहे हो माइनस के बाद डिवाइड सोल्व होगा, अरे भाई ऐसा क्यों, आपको सब कुछ पढ़ा रखा अर्थमेटिक ऑपरेटर। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चों एक चीज बताइए, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर्स यूज इन सी। कंडीशनल ऑपरेटर का सही यूज क्या है? आप सबको पता है कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट होता है, या कोई कंडीशन होती है, कंडीशन ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन ट्रू है तो इस पार्ट पे जाएगा, और जब कंडीशन फॉल्स है तो इस पार्ट के ऊपर जाएगा। बच्चों क्लियर? अच्छा एक चीज बताइए, कभी कभी ये नेस्टेड भी आ जाता है, नेस्टेड में मान लो ये कोई कंडीशन, यहाँ पर क्वेश्चन, फिर कोई कंडीशन है, यहाँ पर क्वेश्चन, फिर यहाँ एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, सबको पता है इस तरीके से बना देते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड कंडीशनल। अब नेस्टेड कंडीशनल है तो इस तरीके से बढ़ता है, देखिए आप। हाँ जी बच्चों एक बार बताइए, ये जो कंडीशनल है इसका कोलन ये होता है कौन सा, ये लास्ट वाला। क्लियर बच्चों? दो कंडीशनल है और दो ही ये सिंबल है, तो इसके लिए ये होता है, अगर कंडीशन यहां ट्रू है तो यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा, और कंडीशन ये फॉल्स है तो डायरेक्टली यहां पर चला जाएगा। क्लियर बच्चों? अब मान लो ये यहां पर पहुंच गया, फिर कंडीशन अगर ट्रू है तो बच्चों ये यहां पर जाएगा, और अगर फॉल्स है तो ये यहां पर जाएगा। इस तरीके से वर्क करता है नेस्टेड, क्या होता है मैंने समझाने की कोशिश की। क्लियर? हाँ जी बच्चों अभी तक क्लियर है सबके? अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ क्वेश्चन उमा, क्लियर है सर? अजय सोनी, यस सर। हाँ आ जाएगा काफी, देखिए लगभग 5 क्लास हो चुकी है ऑपरेटर में, एक दो क्लास और देखने के बाद। मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप नहीं कर सको, मैंने लगभग लगभग आपको सब कुछ समझा दिया है। आपके लेवल पे ऑपरेटर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या कंडीशनल स्टेटमेंट से ज्यादा आते हैं, या एरे स्ट्रिंग स्ट्रक्चर यूनियन इनसे ज्यादा आते हैं, वो सब कुछ समझाया जाएगा। पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, अगर ये समझोगे तो सीक्वेंस भी आ जाएगी, जावा भी आ जाएगी, और कोई भी लैंग्वेज कीजिए सब आ जाएगी, क्योंकि ऑपरेटर को सेम ही होता है, बस उनकी वर्किंग को समझना आपको। हाँ जी बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ क्या गड़बड़ है, मतलब फॉर्मेट में क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन को पढ़ो। वो कह रहा है कि फॉर्मेट में क्या गड़बड़ है, फॉर्मेट में क्या गड़बड़ है, कंडीशनल बिल्कुल है कंडीशनल। देखिए देखो बच्चों है ना, ये मैंने क्वेश्चन इंडिया बिक्स से उठाए, एक वेबसाइट है इंडिया बिक्स, वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन ओरिजिनल, बच्चों एक बार बताइए, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है बिल्कुल, ये जो होता है ना बच्चों कंडीशनल स्टेटमेंट में जो असाइन होता है, अभी तक ये सही लग रहा है कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखना कंडीशनल स्टेटमेंट में जब आप असाइन करते हो तो हमेशा बेसिस में होता है, ध्यान रखिए।
बच्चों एक नया मैसेज मिला अपन को, ये फॉर्मेट है, ये डेली स्लिटी बता के गया है अपन को किस तरीके से ध्यान रखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जब असाइन होता है बच्चों, जैसे मैंने असाइन किया सी 30, तो बच्चों ऐसे असाइन कोलन लगाएंगे, एक चीज यहाँ भी लिखेंगे सी असाइन 40, तो बच्चों ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे मैसेज में असाइन करना पड़ता है, याद रखिए। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा, या एक कमी है या पैरेंथेसिस नहीं है मतलब मैसेज नहीं लगाया, इसका मतलब ये सही स्टेटमेंट नहीं। क्लियर बच्चों? अब दूसरे के ऊपर आइए, याद रखना क्या नया मैसेज दिया है। ये कल नया मैसेज दिया था मैंने, साइज ऑफ के अंदर अंदर का पार्ट जो होता है उसके से जैसे प्लस प्लस साइज किया, तो बच्चों साइज ऑफ केवल ये बताता है कि अंदर जो है साइज क्या है, वो ये नहीं बताता कि प्लस प्लस आई कीजिए, नहीं वो अंदर नहीं देखता। कल एक क्वेश्चन आया था, अगर तुमने ध्यान रखा तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पर आइए, याद रखना साइन करते हो तो पैरेंथेसिस के अंदर असाइन होगा। बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऐसे ही ये फॉर्मेट गलत है, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा होता है, इस तरीके का होता है, ये पार्ट है तो दूसरा पार्ट भी होगा, दूसरी बात ये भी गड़बड़ है, पैरेंथेसिस भी नहीं है, दूसरी बात ऐसे कोलन भी नहीं है, बच्चों ये वाला पार्ट भी गायब है, इसलिए गलत है। यहाँ पर आइए, रिटर्न कभी होता ही नहीं है, कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न कभी नहीं होता, अपन और सब रिटर्न कर सकते हैं लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात देखिए, रिटर्न मान लो हो भी गया हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसको, बच्चों ऐसे आप जरूर लिख सकते हो ये और ये, लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये तो कुछ मतलब ही नहीं है। आप खुद समझदार हो, समझो क्या रिटर्न कर रहा है ये, क्या बता रहा है ये अलग अलग पार्ट है, और आप ऐसे कर दोगे तो क्या बना मीनिंगलेस बन गया, और डी भी आपका गलत। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आइए, ये क्या सही है या नहीं है चेक कर लेते हैं। एक बार बताइए ये क्या है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, फिर ये नेस्टेड बन गया, ये भी कंडीशनल है, बस ये दो ही नेस्टेड है ये और ये, तो बच्चों इसके लिए कौन सा होगा, तो इसके लिए आप देखो एक मिनट सुनना, ये नेस्टेड बना, एक तो ये नेस्टेड, एक ये नेस्टेड। अब बच्चों यहां पर आइए, इसके बाद इसके लिए कौन सा होगा, तो पीछे से आइए, इसके लिए ये होगा। क्लियर बच्चों? इसके लिए ये होगा, ये इसका है, और बच्चों ये नेस्टेड है, इसके लिए कौन सा होगा, इसके लिए ये होगा। क्लियर बच्चों? अब बच्चों यहां पर आ जाइए, मतलब क्या बनाइए, मैं यहां पर बना रहा हूं, समझना, मैंने कहा ए बी और ये कुछ, और फिर ए और सी, फिर ये ए सी और बी, सी और यहां पर है बच्चों बी और सी, समझना इसको मैं अच्छी तरीके समझा रहा हूं ताकि आपके क्लियर हो जाए कि नेस्टेड का क्या कंसेप्ट है। ये दोनों नेस्टेड है, देखो ये और ये रेगुलर आ रहा है, तो इसके लिए लास्ट वाला ये है बच्चों। क्लियर? अच्छा, इसके लिए इसके जस्ट इधर वाला है कौन सा है बच्चों, ये है। क्लियर है बच्चों? ये समझ आ गया होगा, देखिए मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ये यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा। क्लियर बच्चों? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से यहां तक जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाएगा। क्लियर बच्चों? यहां तक क्लियर? अगर मान लो मैंने कहा ये, मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो बच्चों ये खत्म हो जाएगा, फिर ये यहां पर जाएगा। अच्छा, मान लो ये कंडीशन ट्रू है तो बच्चों ये यहां से यहां तक जाएगा, ये वाला पोर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बच्चों ये ट्रू है, अगर ये ट्रू है, समझ आ गया होगा, ट्रू है तो क्या हो रहा है, क्लियर हो जाना चाहिए, ये ट्रू है तो ये यहां से यहां तक जाएगा। क्लियर? यहां से यहां तक जाएगा, ये पोर्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। अब बच्चों सर टाइपिंग में गड़बड़ करती मैंने, वापस देख लो एक बार, देखो ये क्या बता रहा है, तीन नंबर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता रहा है। देखो गौर से देखो इसको, तीन नंबर में सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता रहा है। तो आप बताइए ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहां से यहां तक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर बच्चों? अगर ये ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला पार्ट। ऐसे क्वेश्चन लिए मैंने आगे, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है बताइए, क्यों? क्योंकि ये असाइन ऑपरेटर नहीं है, यहां पर कोई ब्रेसेज लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है,
एक दो तीन कंडीशनल और तीन ही आपके ही है, इसका मतलब ये सही है। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन मैंने आगे लिए तो समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। इसके लिए कौन सा है, तो इसके लिए आपका ये वाला डेटा है एक और ये दो, तो आपका डेटा हो गया ये वाला। क्लियर, और इसके लिए डेटा हो गया आपका ये वाला। एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं किस तरीके से बन रहा है, लेकिन यहां क्या गड़बड़ है, यहां पर गड़बड़ है ये दोनों के साथ एक साथ पैरेंथेसिस लग गया। यहां क्या गड़बड़ है, या फॉर्मेट में गड़बड़ है। यहां क्या गड़बड़ है, या ब्रेसेस यूज नहीं किया। यहां क्या गड़बड़ है, या कोई गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्लियर, एक क्वेश्चन लिया मैंने, आगे आगे चलते अपन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए आप, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। देखिए एक बार बताइए कौन सा ऑपरेटर है, तो ये तो आपका रिलेशनल ऑपरेटर है, ये भी आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये मैंने बता रखा आपको अच्छी तरीके से, छह होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। क्लियर बच्चों, ये छह रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। तो इनकी प्रेसिडेंसी हाई होती है, इनकी प्रेसिडेंसी लो होती है, ये सब पढ़ा रखा है, एक बार जाके वीडियो जरूर देखिए। हाँ जी बच्चों, अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, समझ रहे। मान लो यही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले इंटीजर x, x कितना आ गया बच्चों, 12 आ गया। फिर y, y कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ये क्वेश्चन लिए मैंने, पढ़ा मैंने पहले दिया, और ये z, z अभी ब्लैंक है और सब इंटीजर। क्लियर है अंतर। अब यहां पर आए, ये कौन सा ऑपरेटर है, तो बच्चों सबको पता है ये लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर जब भी आए तो याद रखना कि कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कुछ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, या दोनों पार्ट में एग्जीक्यूट हो सकता है। मैंने समझाया था कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, मान लो ये और आ गया तो पहले इसको चेक करता है, अगर मान लो इधर वन आ गया तो इधर चेक कुछ हो या नहीं हो। क्लियर, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होते हैं, अगर इधर वन आ गया तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, अगर इधर वन आ गया तो इधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन और वन भी वन होता है और वन और जीरो भी वन होता है। लेकिन अगर मान लो इधर जीरो आ गया और के इधर जीरो आ गया तो इधर जाएगा पार्ट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर बच्चों, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि उधर जाना है या नहीं जाना ये बताते हैं। मान लो ये एंड ऑपरेटर है, तो एंड ऑपरेटर के अगर इधर वन आ गया तो उधर जाना ही पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि अगर वन है तो वन आएगा, जीरो है तो जीरो आएगा। लेकिन अगर इधर जीरो है तो इधर जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वन है तो भी जीरो आएगा और जीरो है तो भी जीरो आएगा। तो याद रखना जब भी लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं इसके टुकड़ों में बांट दो। लीजिए मैंने इसको टुकड़ों में बांट दिया। हाँ जी बच्चों समझना, वायरल क्वेश्चन है, समझना, मैंने इसको टुकड़ों में बांट दिया। ये और है, और के एक तरफ का ये वाला पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। क्लियर बच्चों, अब यहां पर आइए, ये रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, या तो आंसर वन देता है या आंसर जीरो देता है। एक बार बताइए, मैंने यहां चेक किया बच्चों x नॉट इक्वल टू फोर ट्रू है, क्यों, क्योंकि x तो आपका 12 है, 12 फोर के इक्वल नहीं है, सही कह रहे हैं, ट्रू है, ट्रू है तो इधर वन बन गया। अब बच्चों अगर इधर ट्रू है तो इधर जाएगा ही नहीं, ये चेक होगा ही नहीं। बच्चों ट्रू है तो जेड में वन आएगा, ये लीजिए जेड में वन आ गया। अब प्रिंट करवाना है किसको, जेड को, और कौन सी वैल्यू इंटीजर तो क्या जाएगा वन। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये पार्ट एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्यों, क्योंकि इधर वन बन गया था, अगर इधर वन है तो इधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, और ऑपरेशन है इसलिए। क्लियर बच्चों, समझ आ गया होगा जेड इक्वलेंट क्या आ जाएगा वन, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं आ रहा, अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा तो आगे आ जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देता हूं मैं, कोई देखिए बच्चों में उस तरीके का टीचर नहीं, दो तीन एग्जाम्पल दू नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल कहीं पर भी अटकोगे फिर एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। क्लियर, हो सकता है थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए, देख लेना। मैं क्या कह रहा हूं, ये कंडीशन ट्रू है और ये ओर है, ये ट्रू है ये ओर है, और ट्रू अगर इधर वन है तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं, इसका मतलब ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। कई बार वो ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये नहीं होगा। कब ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, जब लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और आए तो याद रखना कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होता है कुछ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लियर, नेक्स्ट, मेरे हिसाब से थोड़ा तो आ रहा होगा सबने, कोशिश तो करनी पड़ेगी बच्चों। अब एक बच्चा कह रहा था सर हमको तो पढ़ाई छोड़े 10 साल हो गए, तो बच्चों फिर मैं कैसे पढ़ाऊं आप बताइए, मैंने तो पूरी कोशिश की है, पहले थ्योरी समझाई आपको, थ्योरी समझाने के बाद मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, ऐसा तो है नहीं कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करवा देता हूं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चों आपको, अगर फर्स्ट ग्रेड देना है तो, और अगर थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड देना है तो मेरी क्लास ही अटेंड कर लो, उसी में सब कुछ समझ आ जाएगा।
चले बच्चों आगे देखे, ये क्वेश्चन है, इसको समझना। विच ऑफ द बंगाल यूनरी ऑपरेटर इन सी, तो यूनरी ऑपरेटर के लिए मैंने बताया था बिट वाइज लॉजिक और शिफ्ट ऑपरेटर, सॉरी यूनरी, यूनरी ऑपरेटर मतलब सेकंड ग्रुप, क्लियर। अब सेकंड यूनरी में कौन कौन आता है, एक तो बिट वाइज में कौन सा आता है, नोट आता है, एक लॉजिकल में नोट आता है, बाकी आप सबको पता है यूनरी ऑपरेटर जो एक, देखिए मैंने आपको कहा था कि तीन तरीके के ऑपरेटर, जैसे एम्परसेंड ए तो ये यूनरी ऑपरेटर, जैसे प्लस ए ये भी यूनरी ऑपरेटर, माइनस ए इनको साइन ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन यही अर्थमेटिक बन जाता है तो इसको बाइनरी ऑपरेटर कह देते हैं। बच्चों जैसे प्रीफिक्स ये लीजिए यूनरी ऑपरेटर, अगर कोई ये कह दे कि गुरु जी मेरे को तो ऐसा करने की इच्छा हो रही है, तो बच्चों ये एरर कर देगा, ये क्या है यूनरी मेथड, क्लियर। क्यों, क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स ये सब यूनरी ऑपरेटर है। हाँ ये जो है ये यूनरी ऑपरेटर है, क्यों, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट ए का चाहिए या लॉजिकल नोट ए का चाहिए, बिटवाइज नोट ए का चाहिए, ये लॉजिकल नोट ए का चाहिए, ये सब यूनरी ऑपरेटर है। इनकी प्रेसिडेंसी बहुत हाई होती है, जैसे साइज ऑफ है तो साइज ऑफ ये यूनरी ऑपरेटर है, क्लियर है बच्चों। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर है जो यूनरी ऑपरेटर है, एक बार बताइए ये यूनरी है, बिल्कुल है, क्योंकि इसको क्या कहते हैं लॉजिकल नोट कहते हैं, इसको बिटवाइज नोट कहते हैं, इसको साइज ऑफ, ये यूनरी नहीं है क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है, ये ए एंड बी के बीच ऐसे रखता है कि ये कंडीशन और ये कंडीशन, बच्चों क्लियर। तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर कई बार आ चुका है मेरे साथ, क्लियर हो गया होगा। हाँ जी अंजलि का आंसर भी आ गया सर, 1, 2, 3 बिल्कुल वेरी गुड, जिसके समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ी प्रैक्टिस करना, यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से है सब पढ़ा रखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए, इन विच ऑर्डर डू द फ्लोइंग गेट्स इलेटेड, बताइए कौन कौन से पहले इलेटेड होंगे, सबसे पहले क्या आते हैं बता रखा है बेसिक, फिर क्या आते हैं यूनरी आते हैं, फिर क्या आता है अर्थमेटिक आते हैं, फिर क्या आता है शिफ्ट आते हैं, फिर क्या आता है रिलेशनल आते हैं, तो आप बताइए इसमें अर्थमेटिक है क्या, बिल्कुल है, लॉजिकल असाइनमेंट और रिलेशनल, तो पहले नंबर पे यह आएगा, दूसरे पे आपके रिलेशनल आएंगे, तीसरे पे आपके लॉजिकल आएंगे, चौथे पे आपके असाइनमेंट आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले अर्थमेटिक मतलब दो नंबर, बिल्कुल दो नंबर है, क्लियर, यही आंसर हो जाएगा, 2, 1, 3, 4 खत्म। बच्चों क्लियर है क्या, हाँ जी क्लियर है सबके, 2, 1, 3, 4। कुछ बच्चे आज आए नहीं, जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं, कोशिश करो सबको इन्फॉर्म कर दो कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। हाँ जी ये क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए आप। देखो बच्चों जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसमें दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, और एक एक ही लाइन में सेम वेरिएबल पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, क्लियर। तो दोनों तरीके के मैं क्वेश्चन समझाऊंगा, दोनों को अच्छे कमांड बनाएंगे। यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट है, आई एच ए है के, कल ऐसा भी हो सकता था प्लस प्लस आई एंड प्लस प्लस जे, हाँ प्लस 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 की, तो बच्चों आई जे के तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आई 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 कर दू तो बच्चों फिर ये क्या होता है कंपाइलर डिपेंडेंट हो जाता है, क्लियर। जीसीसी में अलग आंसर आता है, क्लियर है, प्रोबोसी में अलग आंसर आता है, ब्लैक कोड में अलग आंसर आता है, ऐसे बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपाइलर है तो अलग अलग आंसर आएंगे। वो सर इन्फॉर्म कर देंगे आपको मैथ की क्लासेस कब से होंगी, देखिए मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर। तो जब सेम वेरिएबल होते हैं तो क्या होता है ये सब समझा दूंगा मैं आपको, ये प्रोबोसी में अलग और जीसीसी में अलग। अभी तो तुम ये देखो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, चलिए सभी कंपाइलर में एक जैसा आंसर आएगा, चलो चेक कर लेते हैं और वो आंसर क्या होगा देख लेते हैं। हाँ जी बच्चों सबका सपोर्ट चाहिए, क्लियर। मैंने कहा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के केस में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो सेम वेरिएबल के ऊपर, एक ही स्टेटमेंट में सेम वेरिएबल बार बार आ रहा है, प्लस प्लस आई प्लस आई प्लस 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 आई, तो प्रोबोसी का खेल तो मैंने एक बार समझाया था, लेकिन जीसीसी में थोड़ा अलग खेल होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं, मान लो ये आई कितना है, तो आई कितना है बच्चों -3 है, जे कितना है बच्चों 2 है, जे 2 है, के कितना है, के कितना है बच्चों के जीरो है और एम है, क्लियर बच्चों। अब बच्चों यहां पर आइए, अभी सोल्व कैसे होता है समझ लो, प्लस देखिए एंड है ये भी एंड है, और आपको पता है 2 है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे मान लो ये होता प्लस प्लस आई एंड प्लस प्लस है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मान लो लॉजिकल ऑपरेटर 2 से ज्यादा 1 से ज्यादा
यहां भी लॉजिकल ऑपरेटर, आगे भी लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले एक लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, क्लियर बच्चों, समझ आ रहा होगा मैंने क्या किया। तो सबसे पहले आपको ग्रुपिंग बनानी होगी, यहां पर आ जाइए, अपन ग्रुप बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि एक होता तो कोई दिक्कत नहीं, यही देखते हैं। अगर एक से ज्यादा है, ये भी है और ये भी है, तो ग्रुप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे ग्रुप, एंड ऑपरेटर अपना जोड़ा पहले बनाया था, ये लीजिए इसका जोड़ा ये रहेगा, ये ग्रुपिंग बनेगी, ये अलग रहेगा। क्लियर बच्चों, यहां तक आपके समझ आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस आई का क्या मतलब है। तो आपको सबको पता है कि जब अलग अलग ऑपरेटर है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ट्रिपल सी में क्या होगा और जीसीसी में क्या होगा, सभी के अंदर सेम ही होगा। क्लियर बच्चों, यहां पर आइए। सबसे पहले मैंने लिखा प्लस प्लस आई, समझना, एंड फिर क्या है प्लस प्लस जे, फिर एंड, फिर क्या है बच्चों प्लस प्लस के, समझना बच्चों। और ये किसमें जा रहा है, ये एम में जा रहा है, यहां पर आइए। तो बच्चों ये एंड है, ये एंड है, तो ग्रुपिंग किसकी होगी, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है लेकिन दोनों ही एंड है, तो फिर इधर से इधर की ग्रुपिंग होगी। ये लीजिए एक अपने आप में ग्रुप बना लेता है यहां से, मतलब ये एक अलग काउंट होगा और ये अलग काउंट होगा। क्लियर बच्चों, सब में आ गया होगा। ग्रुप करके छोड़ देता है, ग्रुप करके छोड़ देता है, ग्रुप करके छोड़ देता है। अब यहां पर आइए प्लस प्लस आई क्या बनेगा। तो बच्चों एक बार बताइए, ये माइनस थ्री है तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस टू, यानी एक बढ़ा दे। अब आप बताओ बच्चों, यहां पर थ्री हो गया और ये एंड ऑपरेटर है, क्या ये यहां पर जाएगा, क्या ये यहां पर जाएगा, ये एंड ऑपरेटर है, ये ट्री हो गया तो यहां जरूर जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू होता है, ट्रू एंड फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स हो जाता है, मतलब इसके ऊपर टिका हुआ नहीं है आंसर, इस पर टिका हुआ है इसलिए यहां जाएगा। अब प्लस प्लस जे बोली, प्लस प्लस जे, ये कितना हो गया, थ्री हो गया बच्चों। ये लीजिए थ्री, थ्री का मतलब वापस ट्रू, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू और फॉल्स को ही समझता है। लीजिए यहां पर भी क्या हो गया, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, क्या हो गया, फाइनली ट्रू। बच्चों यहां से जो आवाज आई वो ट्रू किया हुआ, और जो चेंज हुआ वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां पर आ जाइए, इस फाइनल ट्री को देखिए, ट्री एंड क्या इधर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों जाएगा इधर, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आंसर, ये डिसाइड करेगा। क्लियर बच्चों, आप बताइए प्लस प्लस के, तो बच्चों जीरो की जगह यहां वन हो गया। ये लीजिए यहां से भी वन, बच्चों पहले प्रीफिक्स होता है, पहले बढ़ता है, पहले बढ़ गया, अब के को चेक करेगा, के भी क्या ट्री, तो ट्री एंड ट्री फाइनली यहां से जो आवाज आई वो किसका है, ट्री। इस पूरे स्टेटमेंट का आंसर क्या है, ट्री। ट्रू का मतलब एन में वन आ गया, एन के अंदर क्या आ गया, वन, और वन प्रिंट करा दो। आई कितना बच्चों, माइनस टू, जे कितना, थ्री, के कितना, वन, एन कितना, वन, ये आपका आउटपुट होगा, माइनस टू थ्री वन वन। अगर ये क्वेश्चन सामने आ गया तो मान के चलो आप इसी सामने आने लग जाए। हाँ जी, एक बार कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट कर दीजिए। अरे बच्चों कमेंट आने चाहिए, फिर लाइव क्लास का क्या मतलब है, करवा तो मैंने बहुत रखी है, सी काफी लेवल पे समझा रखी है, डाल रखी है मैंने। स्टोर में जाइए, स्टोर में सब कुछ मिल जाएगा, एबीसीडी नाम का आपका स्टोर है या कंप्यूटर टीचर नाम का आपका स्टोर है, उसमें पूरी सी डाल रखी है। दशरथ सिंह रिपीट, रिपीट करना ठीक है, माइंड को एक्टिव रखो, दशरथ सिंह माइंड को एक्टिव रखो, कोशिश करो। एक बार और समझा दो, देख लीजिए प्लस प्लस आई जो स्टेटमेंट है वो ये है कि ये एंड ऑपरेटर है, ये भी एंड ऑपरेटर है, प्रेसिडेंसी इसकी ज्यादा है, ये अपने आप में ग्रुप बना लेता है। लॉजिकल ऑपरेटर में सोल बाद में पहले ग्रुपिंग हो जाती है, इनके बीच में ग्रुपिंग हो गई। अब प्लस प्लस आई तो माइनस थ्री का माइनस टू हो गया, ये ट्रू की आवाज आई। अब ये ट्रू है तो ये इसके ऊपर टिका हुआ, क्योंकि मैंने डेट आपको पढ़ाए थे, ये ट्रू है तो ट्रू एंड इसके ऊपर टिका हुआ, जो इसका आउटपुट है वो इस पर टिका हुआ है, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू आएगा तो ट्रू होगा, ट्रू एंड फॉल्स आएगा फॉल्स होगा, इसलिए यहां पर जाता है। शॉर्ट हैंड जरूर है कि इसके ऊपर टिका हुआ है ही नहीं तो फिर नहीं जाएगा, अगर इस पर टिका हुआ है तो फिर जाएगा। बच्चों ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू आ गया बच्चों, अब यहां से ट्रू आ गया, फिर एंड ऑपरेटर है तो ट्रू एंड है बच्चों, इस पर टिका हुआ है इसलिए यहां जाएगा। तो बच्चों पोस्टफिक्स है तो यहाँ पोस्टफिक्स हुआ तो माइनस टू हुआ, यहां पर पोस्टफिक्स हुआ तो थ्री हुआ, सॉरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स है यहां पर माइनस टू। देखो ना, आई ये था एक बढ़ गया, जे ये था एक बढ़ गया, के ये था एक बढ़ गया, और ये चेक हो रहा है और एम में वन आ रहा है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। दशरथ सिंह बताइए क्लियर है क्या, एक बार और देखना है ना इस वीडियो को, बार बार देखना आएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, वायरल क्वेश्चन है कुछ, इनको समझना, हर बार आ रहे हैं ये।
देखिए आई कितना है, तो आई कितना है बच्चों, आई है माइनस थ्री, जे जे कितना है बच्चों टू है, के कितना है बच्चों जीरो है, और एम एम बिल्कुल ब्लैंक है। चलिए बच्चों चलिए अपन लेते हैं और समझना। सबसे पहले आप बताइए इनकी ग्रुप बनेगी, ग्रुप ओर की बनेगी या एंड की, एंड की प्रेसिडेंसी आई है, सबको पता है सबसे ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर में इसकी प्रेसिडेंसी है, ये सेकंड ग्रुप के अंदर होता है, ये यूनरी होता है, फिर इसकी होती है, फिर इसकी होती है। क्लियर बच्चों, ये सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है। अब एक बात यहां पर आई बच्चों, हाँ जी परेश का, अब बच्चों ये ओर का ग्रुप बनेगा एंड का बनेगा, एंड का बनेगा, ये लीजिए एंड का ग्रुप बन गया, ये पूरा एक साथ है, लेकिन बच्चों सबको पता है ये एक साथ है, ये एक साथ है, लेकिन प्लस प्लस आई होगा सबसे पहले, प्लस प्लस आई, क्योंकि ये चेक देखो इसको दो टुकड़ों में बांट दिया है किसने, ओर ने, ये और ये एंड के ग्रुपिंग बन गई। मैंने कहा अगर दो ही होते, मान लो ये दो ही होते प्लस प्लस आई और प्लस प्लस जे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ये होता फिर ये होता, लेकिन एक से ज्यादा है तो एंड अपना ग्रुप बना लेता है। ये लीजिए ग्रुप बन गया, एंड का ही क्यों बना, क्योंकि एंड की प्रेसिडेंसी हाई है। ये लीजिए ये ग्रुप बन गया, ये अलग हो गया। अब बच्चों एग्जीक्यूट कैसे होंगे, दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, अगर ये रिजल्ट निकाल दे तो इधर नहीं जा पाएगा, अगर ये रिजल्ट नहीं निकाल पाए तो फिर इधर जाएगा। क्लियर, अब तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अब यहां पर आइए माइनस थ्री है, क्या है बच्चों माइनस थ्री, क्या बोला मैंने माइनस थ्री, आई माइनस थ्री है, तो बच्चों एक बार बताइए माइनस थ्री की जगह यहां माइनस टू होगा। अब बच्चों इसने आवाज क्या दी, इसने आवाज दी ट्रू, ट्रू और चाहे कुछ भी हो ट्रू ही रहता है, इधर नहीं जाएगा, शॉर्ट हैंड है इधर नहीं जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ट्रू आ गया, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, एन में वन आएगा, ये लीजिए एन में वन आएगा। ये बताइए ये क्यों नहीं गया, क्योंकि इधर ट्रू हो गया, ये कोर्स में ये कोर्स में इधर ट्री हो गया, इधर नहीं जाएगा। क्लियर बच्चों, अब इधर नहीं जाएगा तो ये पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट जो जो है वो प्रिंट करा दो, आई में कितना है माइनस टू है, जे में कितना है टू है, अच्छा के में कितना है जीरो है, और एन में कितना वन है। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो सी के पूरे बेसिक आंसर आपके क्लियर हो चुके हैं। क्लियर है अंजलि, क्लियर है, ठीक है, और भी कमेंट कीजिए। कुशनुमा क्लियर है, दशरथ सिंह क्लियर है, ठीक है, क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि काफी क्लास हो चुकी है, एक एक कंसेप्ट बताते हुए आ रहा हूं, ग्रुप कैसे बनता है, किस तरीके से चलता है, पुराने वीडियो भी मेरे नेट के और लिंक पे डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हो। हाँ जी हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश कर रहा, देखो ये सब इंडिया बिक से उठाए हुए क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी वेबसाइट है, प्रैक्टिस के लिए अच्छी वेबसाइट है। क्लियर, यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ डीप ज्यादा है, डीप ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, कब सीखो, क्यों डिग्री की है, क्यों बीटेक एमटेक बोलते हो अपने आप को, जब बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग ही पता नहीं है तो फिर क्यों 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 एक एक पेज की डिग्री लेके घूमते हो, क्या काम आएगी, कभी टीसीएस इंफोसिस में अप्लाई कीजिए, वापसी का कैसा पेपर आता अपने आप पता चल जाएगा, सी तो आएगी, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दीजिए, रिज्यूम बनाइए अप्लाई कर दीजिए, मैथ रीजनिंग सी और इंग्लिश, ये चार सब्जेक्ट आता है, ये चार सब्जेक्ट आता है, सी मैथ एंड रीजनिंग और बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर तो आता ही, सी आती है, मैथ एंड रीजनिंग आती है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर आता है, और आपकी इंग्लिश आती है, ये चार सब्जेक्ट आते हैं, सी का बहुत बड़ा पोर्शन है। देखिए ना टीसीएस इंफोसिस के पेपर देखिए, यही क्वेश्चन इंडिया बिक्स है ही प्लेसमेंट के लिए, उनको देखिए अप्लाई कीजिए, कोई जरूर नहीं है गवर्नमेंट जॉब में जाए, करोड़ों कमाने तो प्राइवेट में भी जा सकते हो। हाँ जी यहां पर आइए, ये बच्चों आई, आई कितना है बच्चों फोर, जे कितना है, जे माइनस वन है, के ये के जीरो है बच्चों, और डब्ल्यू ये क्या है एक्स, ये क्या है बच्चों वाई, और ये क्या है बच्चों जेड। क्लियर, ये मैंने बना दिया। अब यहां पर आइए इसको ग्रुपिंग तैयार करते हैं बच्चों, और है तो ग्रुपिंग पहले इनकी होगी, क्यों, क्योंकि सबको पता है इधर से इधर चलता है। क्लियर, ग्रुप बनकर छोड़ देते हैं, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, एक ग्रुप आपका ये और एक ग्रुप ये है। हाँ जी बच्चों एक बार बताओ,
यहां पर आइए, आई कितना है 4, अगर ये 4 है ये ट्रू है तो इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, इधर नहीं जाएगा। अब बच्चों इस फाइनल का इसका आंसर ट्रू है, इसका फाइनल ट्रू है तो इधर भी नहीं जाएगा खत्म। तो बच्चों डब्ल्यू के अंदर 1 आएगा, ये क्लियर कर लीजिए। डब्ल्यू के अंदर क्या जाएगा 1, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू के अंदर 1 आएगा और किसी में कोई चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, और किसी में कोई चेंज नहीं होगा, क्लियर कर लीजिए। आज ये क्लियर है कि अभी तक डब्ल्यू के अंदर 1 क्यों आया, तो कौन कौन से पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये सब क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए, यहां जाइए, यहां पर भी ग्रुपिंग ऐसे ही होगी क्योंकि एंड दोनों एंड है, तो पहले ये एंड की ग्रुपिंग होगी और ये अलग रहेगा, दो पार्ट है, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब बच्चों यहां पर आइए, आई 4 है, बिल्कुल ये ट्री हो गया क्योंकि एंड ऑपरेटर ट्री और फॉल्स ही रहता है, ये क्या हो गया ट्री, और जे के अंदर इधर जाएगा या नहीं जाएगा, जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा। यहां पर अगर वो पूछे क्या क्या एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो जे और के एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहां पर ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 ट्रू 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 एंड ट्रू ट्रू, ये ट्रू हो चुका है। अब बच्चों अगर ये ट्रू है तो के ऊपर भी जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ही तो डिसाइड करेगा, यहां से अगर ये ट्रू है, अगर यहां से अगर ये ट्रू है तो यहां जाएगा क्योंकि एंड ऑपरेटर है, ये क्या है बच्चों फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ये क्या हो गया फॉल्स, एक्स में क्या जाएगा बच्चों 0। मेरे हिसाब से ये भी क्लियर हो गया होगा, कैसे लाइने काम करिए, विचार कीजिए, क्लियर विचार कीजिए। हाँ जी बच्चों यहाँ पर आ जाइए, हाँ प्लस प्लस और ये तो कुछ है ही नहीं कि कोई चेंज करे इनको, बस आपको आउटपुट चाहिए। यहाँ ग्रुपिंग बताइए, एंड की ग्रुपिंग पहले होगी, आई ये रहा, आई में कितना है 4 ट्री है, इधर जाएगा ही नहीं, मतलब जे और के आज भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ये लीजिए बच्चों। वाई में क्या जाएगा, वाई में 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ग्रुपिंग एंड की होगी पहले बच्चों, ये कितना है 1, ये कितना है बच्चों 1, ये कितना है बच्चों 1, क्यों, क्योंकि 4 है, 4 है तो ट्रू है। अब ये अगर ट्रू है तो बच्चों याद रखना इधर जाएगा, ये भी क्या है ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू ट्रू हो गया बच्चों, ये ट्रू है तो इधर जाएगा ही नहीं, जेड में क्या जाएगा 1। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब जो पूछे उसका आंसर दे दीजिए, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है 1, एक्स एक्स क्या है 0, वाई वाई क्या है 1, जेड क्या है 1, 1011 1011 आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। देख लीजिए कहां पर क्या गड़बड़ है, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो लगभग लगभग सारी सी आपके समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट आ गए लॉजिकल। कल मैंने जितने भी यूनरी ऑपरेटर थे उन सबके एग्जांपल दिए थे, और जितने बन सकते थे सारे दिए थे, आज जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर है उन सबके एग्जाम्पल देने की कोशिश कर। हाँ जी बच्चों सबके क्लियर है, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा विचार कीजिए, कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। लॉजिकल ऑपरेटर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, प्लेसमेंट इंडिया की वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी उठा के देख लीजिए, सब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, सबके अंदर सी कोई भी एग्जाम दोगे प्लेसमेंट से रिलेटेड सब में सी आए, सब में मैथ और रीजनिंग आए, सब में इंग्लिश आए, ये 3 या 4 सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर है, मैथ रीजनिंग बहुत लो लेवल की आती है, सी अच्छे लेवल की आती है, इसलिए तैयार कीजिए। हाँ जी चले आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई आई के अंदर क्या है, आई के अंदर है -3, जे जे के अंदर क्या है 2 है, के ये के है इसमें 0 है, ये है क्लियर। आप सोच रहे होंगे सर एक ही एक तरीके की कितने क्वेश्चन ले लिए, लेकिन बच्चों कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे होंगे इसलिए तो लिए मैंने, इसलिए लिए क्लियर। यहाँ पर बच्चों एक बार बताइए, ये एंड है ये और है, पहले ग्रुपिंग इसकी होगी, एंड की ग्रुपिंग पहले होगी, दो हिस्से बांट देता है लॉजिकल ऑपरेटर, दो हिस्सों में बांट देता है, एक ये और एक ये, क्लियर। अब यहां पर आइए एक बार बताओ, प्लस प्लस आई पहले इसमें भी ये 16 होगा, प्लस प्लस आई है तो माइनस तक हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा, पहले प्रीफिक्स होगा, ये सब कुछ बता रखते हैं, कैसे ही है -2 है ट्रू। अब बच्चों यहां जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 का मतलब ट्रू बच्चों, या 2 की जगह कितना आ जाती है, जेड में 3 आ जाए, क्लियर। अब बच्चों यहां पर आ जाएंगे ट्रू एंड ट्रू, यहां से फाइनली ट्रू की आवाज आई, ये लीजिए ट्रू। अब ट्रू और इधर जाने की जरूरत नहीं, इधर नहीं जाएगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्लस प्लस के मत कर देना, 1 मत कर देना, बस ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एम एम में क्या आ जाएगा ट्रू, ट्रू का मतलब 1, एम में 1 आ जाएगा,
अब बस बच्चों प्रिंट करा दो, ये माइनस टू, ये थ्री, ये जीरो, ये वन, माइनस टू थ्री जीरो वन, माइनस टू थ्री जीरो वन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, सी आपका आंसर हो गया, माइनस टू थ्री जीरो वन। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, सबके सामने आ रहा होगा। ठीक, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो बच्चों, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में मैंने एक चीज अभी तक आपको नहीं बताई कि दोनों वेरिएबल अगर सेम है एक स्टेटमेंट में तो फिर कंपाइलर डिपेंडेंट होता हूं कैसे होता है। क्लियर, वो बताना है, कल बता देंगे अगर आज समय नहीं मिला तो, लेकिन उसका आंसर अधिकतर कंपाइलर डिपेंडेंट आता है। हाँ, अगर वो लिख गया टर्बो सी में आंसर दो, जीसीसी में आंसर दो, तो दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं और कैसे आते हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं, सारे वेरिएबल अलग अलग थे। यहाँ पर एक्स कितना है, एक्स कितना है बच्चों? फोर है। अच्छा वाई, वाई और ये कितना है बच्चों? जेड। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आ जाइए आप, ये क्या है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको ये बता रहा है कि सर माइनस माइनस एक्स है तो पहले असाइन होगा या पहले प्रीफिक्स होगा? प्रीफिक्स बच्चों फोर की जगह यहाँ थ्री हो गया, थ्री हो गया। अब जैसे प्रीफिक्स यहां से हटा, ये प्रीफिक्स हट गया, वाई में एक्स आ गया बच्चों, ये थ्री आ गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, थ्री और थ्री हो गया। अब बच्चों पहले जेड के अंदर क्यों, क्योंकि पहले असाइन होगा तो जेड में एक्स जाएगा, जेड में एक्स जाएगा, जेड में एक्स जाएगा तो कितना हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। अब बच्चों जैसे ही ये यहां से बाहर आएगा पहले पोस्टफिक्स हो जाएगा, ये लीजिए पोस्टफिक्स, तो तीन की जगह दो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? क्या मैसेज देना है समझ आ जाएगा। एक्स टू वाई थ्री जेड थ्री। एक बार देख लीजिए कि हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में बताने वाला क्वेश्चन था। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों के? क्लियर हो गया होगा? इंडिया डिक्शनरी क्वेश्चन उठाए हैं, एक बार देख लेना इनको, ताकि मैंने एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूं जितने भी बने। हाँ जी, क्लियर है बच्चों? ठीक, आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, ये क्या कह रहा है। आई, आई के अंदर कितना है बच्चों? थ्री। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कई बार आ चुके हैं प्लेसमेंट में। आई प्लस प्लस, एक बार बताइए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है आई के अंदर पहले आई आएगा, पहले आई आएगा, आई के अंदर इसको हटा दो थ्री आ गया, वापस थ्री आ गया। फिर बच्चों जब ये यहां से यहां जाएगा तब ये पोस्टफिक्स होगा, किसमें? प्लस प्लस आई, थ्री की जगह फोर होगा, और प्रिंट आई कितना? प्रिंट हो गया फोर। कैसे बचिंग हुई समझ में आ गया? पहले आई में थ्री आया, बिल्कुल थ्री था, फिर थ्री, देखो ऑलरेडी थ्री था, फिर थ्री आया बिल्कुल हुआ, फिर प्लस प्लस हुआ यहां से जम करने के बाद प्रिंट फोर हुआ। बहुत से सही समझाने के लिए क्वेश्चन है। आज प्रेम का आंसर दे दिए सर ए, यो प्रेम का ए कैसे आया? प्रेम का ए क्यों आएगा? आप खुद सोचो थोड़ा, वापस देखो, देखो आई था, आई, आई में कितना था? थ्री था। पहले आई असाइन ऑपरेटर होगा, पोस्टफिक्स सबसे लास्ट में होता है, आई में थ्री आ जाएंगे। अब बच्चों ये खत्म, असाइन ऑपरेटर खत्म, अब क्या होगा? आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मतलब थ्री की जगह क्या हो गया? फोर। आई में अभी फोर है, प्रिंट आई, आई फोर। क्लियर? प्रिंट का आपके क्वेश्चन क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट चलिए बच्चों, एक मिनट इस क्वेश्चन को समझना। जब प्रिंटर के अंदर कोई चीज प्रिंट करवाते हैं तो याद रखना हमेशा इधर से इधर होती है, पहले ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। प्रिंटर के अंदर, प्रिंटर के अंदर अगर एक स्टेटमेंट है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत सारे हैं, क्लियर, बहुत सारे कंपोजिट स्टेटमेंट है, एक दो तीन, तो फिर इधर से इधर चलेगा। यहां पर आइए, एक्स में कितना है बच्चों? 55। इस कंडीशन को देखिए, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, उस रिटर्न को प्रिंट कराना होता है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो 55 इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट 10, ये तो ट्रू है, ट्रू है तो यहां से 1 रिटर्न होगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। बच्चों पहले ये हुआ, यहां से 1 रिटर्न हो बच्चों, इसके बाद ये होगा बच्चों, ये एक्स में 40 डालेगा, ये साइन ऑपरेटर है, 55 की जगह क्या हो जाएगा? 40। अब बच्चों 40 डाल तो दिया इसने, तो रिटर्न क्या करेगा? एक्स, एक्स रिटर्न करेगा तो एक्स 40 प्रिंट हो जाए। बच्चों यहां तक क्लियर? हमेशा ध्यान रखिए, ये कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट होगा, ये 40 डालेगा तो फिर प्रिंट क्या होगा? प्रिंट क्या होगा? जो यहां से रिटर्न, रिटर्न क्या डालने के बाद एक्स, रिटर्न एक्स क्या? एक्स 50।
रिटर्न हमेशा वो होता है, प्रिंट हमेशा वो होता है जो रिटर्न होता है, प्रिंट हमेशा वो होता है जो रिटर्न होता है। यहां से क्लियर वन, यहां से 40 हो गया था, तो 40 हो जाए। अब बच्चों यहां पर आइए, पहले ये हुआ फिर यहां हो गया, अभी 40 पड़ा। क्या 40 इज लेस देन इक्विवेलेंट 55 है क्या? बिल्कुल ट्रू, रिलेशनल ऑपरेटर है, वन रिटर्न होगा, प्रिंट वन, आंसर होगा 141। बिल्कुल बस आज कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए क्लियर है क्या। अंजलि ने आंसर भी दे दिया ये। हाँ जी और बताइए क्लियर है, कैसे चला ये, ये कौन सा ऑपरेटर है? रिलेशनल, आंसर वन में आएगा, ये आंसर वन या जीरो, ये भी वन और जीरो, और ये कौन सा साइन? तो साइन करने के बाद जो बचा एक्शन है वो प्रिंट होगा। क्लियर बच्चों, समझ आ जाना चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट इसको अगर देखना है तो देख लीजिए एक बार। क्लियर, इस तरीके से चल रहा है, समझ आ जाना चाहिए। कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, एक्स 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 तो है, एक दो तीन बार एक्स है, लेकिन कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं है, इसलिए कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है। ध्यान रखिए, जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो और एक ही वेरिएबल बार बार यूज आ रहा हो तब वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ ये देखिए, ये कंपाइलर डिपेंडेंट है क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी है और एक ही वेरिएबल के ऊपर बार बार। बच्चों सुनना, अधिकतर अपन प्रबोसी यूज करते हैं, प्रबोसी में अगर वो दे दे कि आंसर क्या आएगा तो सुनिए, ये दो होगा, दो के बाद यहां जाएगा, पहले ये तीन होगा, ये तीन होगा और ये तीन प्रिंट कर देगा। बच्चों प्रबोसी क्या करती है समझ में आ जाइए, दो ऐसे से ऐसे चलती है, दो बढ़ के तीन, देखो आई, आई में दो था, यहां बढ़ के कितना हो गया तीन। ये लीजिए, इसको मैं वापस समझा देता हूं अच्छी तरीके से, अलर्ट रहना बच्चों, कहां सावधानी रखनी है, जो सेम वेरिएबल है तो कंपाइलर डिपेंडेंट लिखना ही अपन को, और अगर मान लो ऑप्शन में नहीं तो कैसे, ऊपर लिखा होगा ट्रबोसी या फिर जीसीसी, तो बच्चों अगर नहीं लिख रखा है तो ब्लैक बोर्ड के हिसाब से आंसर दे देना, जीसीसी के हिसाब से आंसर दे देना। चलिए देख लीजिए एक बार, ये दो है, आई दो है, प्लस प्लस आई, दो की जगह तीन हो गई, आई प्रिंट कर दो, आई में जो रिटर्न, जब प्रिंट का मतलब है जो रिटर्न, आई थ्री थ्री, यहां पर थ्री आ गया बच्चों, फिर क्या होगा, प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई, प्लस प्लस आई, तीन, तीन की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, चार, फिर बच्चों ये खत्म, और आई प्रिंट कर दो चार, चार तीन आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये किसके अंदर आंसर है, ये ट्रबोसी के अंदर आंसर। क्लियर, ट्रबोसी कैसे काम करेगी, इधर से इधर काम करेगी। क्लियर, नंदना बाबू नमस्कार सर, अरे बहुत लेट हो गए। आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चों, कमेंट करना, आवाज क्लियर नहीं आ रही, ये आ रही है क्लियर, सभी के कमेंट चाहिए। रंजना कह रही है आवाज क्लियर नहीं आ रही है, अरे मेरा ही गला खराब होगा तो कैसे आएगी, लेकिन आवाज आ जानी चाहिए है ना, थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम, बीमार हो गया था बीच में। चलो क्लियर है, रंजना चेक कर लेना, यहां पर आइए। अब बच्चों ये तो हो गया ट्रबोसी के अंदर, तो ट्रबोसी के अंदर आंसर क्या आएगा आपका, 43, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और अपन सब लोगों ने अधिकतर ट्रबोसी में काम किया है। हाँ किसी के अभी तो कोई भी आप कंपाइलर यूज कर सकते हो, लेकिन ट्रबोसी में अगर आपका आंसर पूछता तो 43 चाहिए। अब मान लो कोई ये कहे सर ये जीसीसी में होता या ब्लैक बोर्ड में होता तो फिर क्या होता, तो बच्चों मैंने कहा इसलिए एक ऑप्शन है, आउटपुट वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, ये भी देख लीजिए। क्लियर, ये आपका क्या है, प्लस प्लस आई और प्लस प्लस आई, चेक कर लेते हैं। ऐसे में इसके कल बहुत सारे एग्जांपल और दे दूंगा आपको, ताकि आपके पूरा कंप्लीट क्लियर समझ आ जाना चाहिए कि जीसीसी में आउटपुट कैसे आता है। ट्रबोसी के तो पहले भी क्वेश्चन लिए थे, हमने भी मैंने बता दिया था कि आपको कैसे आता है, वो सब ट्रबोसी के हिसाब से, लेकिन बच्चों जीसीसी में इस क्वेश्चन का आंसर बदलता है। कैसे बदलता है सुनिए, आई के अंदर कितना है बच्चों, टू है, पेन बदल लेता हूं मैं, समझ आई के अंदर टू है, तो ये क्या करता है, ये कहता है पहले प्रीफिक्स का मतलब, इसमें सिस्टम ये बनाया हुआ है कि प्रीफिक्स का मतलब पहले प्रीफिक्स कर दो,
प्रीफिक्स पहले कर दो फिर टाइप करो, फिर टाइप करो, पहले प्रीफिक्स कर दो, दो एक प्रीफिक्स आपका ये आ गया, एक प्रीफिक्स आपका ये आ गया, कितना हो गया तीन, फिर एक प्रीफिक्स आपका ये आ गया, कितना हो गया बच्चों चार। अब टाइप कर दो आई बी चार और ये आई बी चार, क्लियर। तो यहां पर अनुच्छेद चार चार आए, एक जगह अनुच्छेद चार तीन आएगा, एक जगह चार चार आएगा, तो अनुच्छेद इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर, सामने आ गया होगा। जीसीसी क्या कहता है, पहले प्रीफिक्स सारे कर दो, प्रीफिक्स का क्या मतलब है, पहले प्रीफिक्स कर दो बच्चों। ट्रपोसी क्या कहता है, अगर प्रिंटर में करवा रहे हो तो उधर से इधर आइए, सीरियल में चलते रहिए, ट्रपोसी कह रहा है, क्लियर। और ये क्या कह रहा है जीसीसी, पहले सारे प्रीफिक्स कर दो, और प्रीफिक्स बाद में होते सबको पता, सारे प्रीफिक्स पहले कर दो बाद में टाइप कर दो, क्लियर बच्चों। समझ आ गया होगा क्या किया मैंने, इसका आंसर फोर फोर भी आता है, इसका आंसर फोर थ्री भी आता है, तो सही आंसर क्या आएगा, आउटपुट में वेरी फ्रॉम कंपाइलर टू कंपाइलर। और ध्यान रखना जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए प्लस प्लस आई प्लस 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 आई तो दोनों वेरिएबल सेम है तो ये कंपाइलर टू कंपाइलर रिजल्ट देंगे, अलग अलग देंगे कंपाइलर टू कंपाइलर, अलग अलग देंगे, याद रखना कंपाइलर टू कंपाइलर अलग अलग आंसर देंगे, क्लियर है। जीसीसी में कैसे आता है, प्रमोशन में कैसे आता है, सबके आंसर अलग अलग आएंगे, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आंसर लिखना कंपाइलर टू कंपाइलर वेरिएशन रहेगा, क्लियर। अगर मान लो कोई ये बता दूंगा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन ले लूंगा मैं, ठीक है, अभी क्लियर है क्या, अभी तक का क्लियर है क्या, कंपाइलर टू कंपाइलर क्यों आया, अरे बच्चों कंपाइलर टू कंपाइलर, हाँ या प्लस प्लस आई होता है या प्लस प्लस जे होता तो फिर नहीं है कंपाइलर टू कंपाइलर, इधर से इधर जाना है बस, पता क्लियर। कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ये क्वेश्चन क्लियर है कि कंपाइलर टू कंपाइलर कैसे लिखा मैंने, ठीक है। कब ध्यान रखना है, समझ आ गया होगा, सेम वेरिएबल पे प्रीफिक्स पोस्टफिक्स हो बार बार तब। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, हाँ मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे लूंगा, ये कंडीशनल ऑपरेटर का क्वेश्चन है, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा कैसे टूटता है, देख लीजिए। इंटीजर के के बना, नम बना, अच्छा ये इंटीजर और ये क्यों लगते हैं, ताकि कोई रेंज से बाहर नहीं चले जाए, उनकी रेंज होनी चाहिए, रेंज कैसे रहते हैं ये सब कुछ बता चुका हूं मैं, क्लियर। हाँ जी बच्चों, के खाली है, नम में कितना थर्ड है, आ जाइए आप एक बार बताइए, कंडीशनल ऑपरेटर है, एक ये कंडीशनल है, एक ये है, ये जो है ना बच्चों इसका कॉलम ये है, ये ले। अब बच्चों ये पूरा का पूरा एक पार्ट है और ये पार्ट अलग है, यहां तक क्लियर। मेरे हिसाब से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो यहां जाएगा ही नहीं, केवल एग्जीक्यूट पार्ट ये होगा। अब यहां पर आइए, नम नम थर्टी है, थर्टी टेन से छोटा है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स है तो इसके लिए ये प्रॉब्लम है, कंडीशन फॉल्स होते ये यहां नहीं जाएगा, ये यहां जाएगा बच्चों, रिटर्न हो रहा है 200 और ये जो 200 है ये किस में जाएगा, के में, और के में आ गया 200, के में 200 आ गया, यहां तक क्लियर है तो बताइए। अब बच्चों एक बार बताइए, प्रिंट है नम, नम प्रिंट कराना, नम का ये रहा, नम कितना 30, आउटपुट क्या जाएगा 30 बच्चों, नम में तो पहले भी 30 ही था, के प्रिंट करवाता तो 200 आता, नम ही प्रिंट कराना तो 30 आ रहा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए क्वेश्चन क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों, वापस रिपीट करना है क्या, जल्दी कीजिए, टाइम ओवर हो रहा है, लास्ट दो क्वेश्चन और बचे, जल्दी कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार, ये कह रहा है कैरेक्टर है, सी एच कैरेक्टर है, ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, सी एच ए, इसमें अल्फाबेट ए, इसके आस्की वैल्यू 65 होती है सबको पता है, द लेटर इज प्रिंट हो जाएगा, द लेटर इज प्रिंट होगा, ये लीजिए आउटपुट आएगा द लेटर इज, ठीक है ये प्रिंट हो गया।
प्रिंट एफ। बच्चों ये क्या कह रहा है, प्रिंट एफ सी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है, सी करेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है। और यहां पर ये जो है यहां से जो रिटर्न होगा, क्योंकि प्रिंट एफ का मतलब है जो यहां से रिटर्न होगा उसको प्रिंट कराना। एक बार बताओ सी ए चेक करो, ये कौन सा ऑपरेटर है बच्चों, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। देखिए ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसके ये ब्लॉक है। देखिए ये क्या कह रहा है, सी एच ये एंड, एंड के साथ ये कंडीशन है। देखिए आप बताओ बच्चों ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है तो यहां जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, क्यों, क्योंकि इसकी आस्की वैल्यू 65 है, इसकी 65 है, ये 65 इससे छोटा है, ये भी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ट्रू है तो यहां नहीं एग्जीक्यूट ये वाला पार्ट होगा बच्चों। 65 65 से खत्म, ए ए की करेक्टर वैल्यू प्रिंट करानी है तो क्या हो जाएगा, ए द लेटर इज ए है इसमें, ये गलत है, एरर अभी तक तो नहीं आई, नन ऑफ द अबव हो सकता है, चेक कर लेते यहां तक क्लियर है बच्चों। अब यहां आ जाइए प्रिंट कराना है, नाउ द लेटर प्रिंट का मतलब जो जो भी स्ट्रिंग लिखी हुई है वो सब आएगा, इज ये लिखा हुआ आएगा बच्चों, देखिए ये स्ट्रिंग है ये डायरेक्टली प्रिंट होगी। अब प्रिंट एफ ये रिटर्न करवा रहा है, करेक्टर वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं, यहां से यहां तक को देखिए आप बच्चों, ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका कोलन ये रहा। आप बताइए बच्चों ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू है, यहां पर भी जाएगा, ये भी कंडीशन आपकी ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू फाइनली ट्रू, ट्रू है तो यहां जाएगा या नहीं जाएगा। और सी एच मतलब ये, और प्रिंट क्या हो जाएगा ए बच्चों, नाउ द लेटर इज ए, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर हो गया होगा बच्चों, क्लियर हो गया होगा, कमेंट कर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, क्या क्या है, एक तो ये स्ट्रिंग है ये पूरी प्रिंट होगी, एक यहाँ से जो रिटर्न होगा वो प्रिंट होगा, ये पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, एक जो यहाँ से रिटर्न है वो प्रिंट होगा। क्लियर बच्चों, हाँ जी क्या हुआ, और एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, कल हो लेंगे ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं तो इनको अच्छी तरह समझना। आई टू है, ये लीजिए आई टू, आई एक बार बताइए डेसेज है, डेसेज में कोमा है, सबको पता है क्या रिटर्न करेगा, ये 5 रिटर्न करेगा। आई टू है, 2 + 5 कितना, 7 7, यहां से 7, सबसे पहले डेसेज सोल्व हुआ, फिर अर्थमेटिक सोल्व हुआ, फिर असाइन सोल्व हुआ, जे में कितना आ जाएगा, जे में 7 आ जाएगा, और प्रिंट जे 7, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, सर में आ जाना चाहिए बच्चों, क्लियर हो जाना चाहिए। ये बच्चों एक क्लास और करता हूँ, 9 लेक्चर मैंने आपको अच्छे तरीके समझाए, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको 100% समझा पाऊंगा, 100% कोई भी बंदा 100% नहीं हो सकता, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, और ये ज्यादा से ज्यादा समझ में जब आएगा, हाँ तुम मेरे से दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तुम मेरे को 100% समझ पाओ ये आपके ऊपर भी टिका हुआ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मेरी कि हाँ ठीक है आपको पूरा पूरा समझ में आए, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, उन्होंने शुरू की 8 वीडियो देखी नहीं, डायरेक्ट 9th वीडियो ओपन करके देख रहे हैं, और ऐसे सोचते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, नहीं होगा, सीरियल वाइज पढ़ते हुए आइए, आज का फ्री टाइम दे रहा हूँ, 8 वीडियो जरूर देख लीजिए, कहा जाता है मेरी स्पीड इतनी हाई होती है कि हर 3 महीने में मेरा बैच खत्म हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, आप उसकी टेंशन मत लो, आप तो पुराने हैं उनको कवर करते रहो, आगे की टेंशन मत लो, दूसरे बच्चों में क्या पढ़ा उसकी टेंशन मत लो, तुमको क्या पढ़ाया जा रहा है बस उसका ध्यान दो, ठीक है, तुम्हारा कोर्स 100% होगा, स्पीड काफी अच्छी रहती है मेरी, क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा लेता हूँ, 5 मिनट में टॉपिक को खत्म नहीं करता हूँ, अगर सीखना ही है तो इससे अच्छा मौका नहीं है, नौकरियां तो आती रहती है और जाती रहती है, अगर प्लेसमेंट के फॉर्म भी भरो तो हजारों की संख्या में कंप्यूटर कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कंपनीज है, कहा यह जाता है सॉफ्टवेयर कंपनीज में इतनी जॉब है जितनी कहीं है ही नहीं, लोगों के 10-20 लाख के पैकेज तो नॉर्मल होते हैं, क्योंकि मैं एमसीआई रिटर्न्स की तैयारी भी करवाता हूँ तो मेरे को पता है सब कुछ, इसलिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप पहले उनको देख लीजिए, 9 तक के वीडियो देख लीजिए, तभी अपन 10वां वीडियो कल देखेंगे, क्लियर, ठीक है बच्चों, टाइम यही रहेगा 9 बजे, और को भी इन्फॉर्म कर दो, कंप्यूटर टीचर की भर्ती आएगी, बच्चे बार बार पूछते हैं सर कब आएगी, कब आएगी ये तो गहलोत जी को भी पता नहीं है, लेकिन आएगी ये मेरे को पता है,
आएगी, 100% आएगी। पब्लिकेशन में बुक छपना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छे अच्छे मेरे पास भी एक दो के कोड आए, सामने आ गया। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वैकेंसी आने वाली है। लोग ऐसे करोड़ों रुपए नहीं डाल देते। जो आपके कैंपेन चल रहे हैं ट्विटर पे, जहां पर भी आप चला रहे हो, उनको चलाते रहिए। आएगी 100% आएगी। डिजिटल इंडिया ऐसे ही बन जाएगा, आएगी बच्चों। ठीक है, आपको पूछना तो बताइए, बाकी मेरे तरफ से आज का टॉपिक खत्म है। कल मिलते हैं।